नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 कार्यक्रम के छठे संस्करण में 5G सेवाओं की शुरुआत की। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम है जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। यूजर्स दिवाली तक 5G सर्विस का मजा ले सकेंगे। एयरटेल, रिलायंस जियो और जैसी कई शीर्ष कंपनियों में अपनी 5G सेवाओं के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी को इसके लाभों का प्रदर्शन किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश में 5G का हुआ आगाज। पीएम मोदी ने 5G सेवाएं को किया लॉन्च। देश के हर कोने तक पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। देश के 13 चुनिंदा शहरों में 5G की हुई शुरुआत। भारत में 5G का इंतजार खत्म हो गया है। पीएम मोदी द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2022 कार्यक्रम के छठे संस्करण में 5G सेवाओं की शुरुआत की गई। ये कार्यक्रम 4 दिनों का है जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है। साथ ही एयरटेल, रिलायंस जियो और क्वालकॉम जैसी कई शीर्ष कंपनियों ने अपनी 5G सेवाओं के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी के सामने इससे होने वाले लाभों का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर भारत में 5G इंटरनेट सेवाओं का आगाज कर दिया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि ये समिट तो ग्लोबल है मगर आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आगे उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2022 इतिहास में दर्ज होने वाली है। आज भारतवासियों को 5G के तौर पर शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वारा पर नए दौर की दस्तक लेकर आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत में 5G टेलीफोनी सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। यूजर्स दिवाली से सर्विस का मजा ले सकेंगे। एयरटेल और जियो सबसे पहले इस सर्विस की शुरुआत करेंगे, जिसके साथ ही भारत में मोबाइल फोन पर अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट के नए युग का आगाज हुआ है। पीएम मोदी ने इस सेवा की शुरुआत देश के 13 चुनिंदा शहरों में की है और अगले कुछ सालों में पूरे भारत में 5G इंटरनेट सेवाओं का विस्तार होगा। माना ये भी जा रहा है कि भारत में 5G सेवाओं पर खर्च होने वाली राशि 2035 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है, जो अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट का समर्थन करने में सक्षम 5G सेवा से भारत तक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में नए आर्थिक अवसरों और सामाजिक लाभों को प्राप्त करेगा। साथ ही ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। बता दें कि 5G तकनीक भारत में मोबाइल उपयोगकर्ताओं को बिना किसी बाधा के कवरेज, हाई डेटा स्पीड, कम विलंबता और विश्वसनीय संचार प्रदान करने का वादा करती है। 5G को सबसे पहले चुनिंदा मेट्रो शहरों में रोल आउट किया जाएगा और लोग 4G से 10 गुना तेज इंटरनेट स्पीड का अनुभव कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि अधिकतम डेटा ट्रांसफर गति 20 GBPS प्रति सेकेंड या 100 MBPS प्रति सेकेंड से अधिक की पेशकश करेगा और 4G से हमें 1 GBPS तक की स्पीड मिलती है। फिलहाल सरकार ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि भारत में यूजर्स को 5G योजनाओं के लिए बहुत अधिक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी और इन्हें सस्ती कीमतों पर लॉन्च किया जाएगा। अब तक
के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।